हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट हिना सुल्तान एंड आई वेलकम यू ऑल टू ई न्यूज़। सबसे पहले चेक करते हैं आज की हेडलाइन। लंदन में होने वाले एल्केमी फेस्टिवल में पाकिस्तान को सचल जैज एंसेंबल करेगा रिप्रेजेंट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डिटेल्स। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाला स्टूडियो सचल क्वालिटी और इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है। और अब लंदन में अप्रैल में शुरू होने वाले एल्केमी फेस्टिवल में जहां दुनिया भर से डिफरेंट बैंड्स, सिंगर्स और म्यूजिशियंस परफॉर्म करेंगे, वहीं सचल स्टूडियो से सचल जैज एंसेंबल ग्रुप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। यहां हम आपको बताते चलें, सचल स्टूडियो का जैज म्यूजिक दुनिया भर में बेहद हिट हुआ। यही नहीं बल्कि ग्लोबल यूट्यूब और इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स पे सचल स्टूडियो के जैज म्यूजिक ने टॉप पोजीशंस हासिल की। सचल जैज एंसेंबल पाकिस्तान से वाहिद ग्रुप है जो यूके गवर्नमेंट के इनविटेशन पे 12 अप्रैल से शुरू होने वाले यूके के मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल एल्केमी में परफॉर्म करने जा रहा है। फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के हवाले से डिटेल्स ई न्यूज के साथ शेयर करते हुए सचल स्टूडियो के फाउंडर इज्जत मजीद ने बताया, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रास और म्यूजिशियंस सारी दुनिया से आ रहे हैं और उसमें एक शाम जो है उन्होंने सचल जैज को दी अप्रैल में। तो इसकी जो बुनियाद है वो यही है कि किसी तरह हम कोशिश ये करें कि जो हमने म्यूज़िक बनाया है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके, उसको और ज़्यादा सिंगार करके जैज़ की ऐसी सूरत दिखाएं जो कि पहले कभी नहीं बनी। और इस किस्म का जैज़ एंसेंबल जो सचल स्टूडियोज़ में हमने बनाया है वो ना पाकिस्तान में कभी हुआ है ना हिंदुस्तान में हुआ है। ये जो एक टीम बनी है उस्तादों की, वो हमारे कल्चर में, हमारी मौसीकी की ट्रेडिशन में वैसे ही नहीं है। परफॉर्मेंसेस के दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे और ग्रुप कितने मेंबर्स पे बेस्ड होगा, इस बारे में इज्जत मजीद का कुछ ये कहना था। हमारे पास जैज बजाने की जो हमने टेक्निक और हमने जो उसको एक अपने रंग में ढाला है वो अपने इंस्ट्रूमेंट से ढाला है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं वो हमारे उस्ताद हैं। हम इस वक्त अपनी उनकी जो स्पेशलाइजेशन है अपने इंस्ट्रूमेंट के, वो उस्ताद दुनिया में माने जाते हैं। तो तबला है बलू खान है, तबले पे नफीस खान है, सितार पे बकर अब्बास है बांसुरी पे, असद साहब हैं गिटार पे और रफीक साहब हैं मरदंग पे, नजफ है नाल पे। तो और ये एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जो कि जैज एंसेंबल के तौर पे जाएगा। अगरचे हमारे पास 40-50 वायलेंस और चेलोस का ऑर्केस्ट्रा भी है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि जैज़ की बुनियाद इतनी ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा पे नहीं होती। वो हमने इनोवेट किया है जो कि वेस्ट को एकदम उठे हैं कि ये क्या हुआ। फेस्टिवल में जो म्यूजिक परफॉर्म किया जाएगा उसकी स्पेशलिटी ई न्यूज़ के साथ शेयर करते हुए इज्जत मजीद ने बताया, जो जिद्दत है, जो इनोवेशन की हमने, कि हमने अपने क्लासिकल राग्स को लेकर जैज़ में ढाला है जो कि हम पेश करेंगे वेस्टर्न ऑडियंस को। सचल स्टूडियो से पोएट और म्यूजिक प्रोड्यूसर मुश्ताक सूफी ने बताया कि पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी सचल जैज एंसेंबल के साथ परफॉर्म करेंगे। कुछ म्यूजिशियंस जो हैं वो वहाँ लंदन से भी हम अरेंज कर रहे हैं क्योंकि सारे म्यूजिशंस को यहाँ से लेके जाना एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है उसमें। तो बेसिकली रिहर्सल यहाँ होंगी, कुछ रिहर्सल्स वहाँ होंगी। अब एक महीना हो गया हम रिहर्सल्स कर रहे हैं और बेसिकली जो हमने शुरू सिलसिला किया था जैज़ सचल जैज़ का, ये बुनियादी तौर पर वही ट्रैक्स हैं उसमें। म्यूज़िक ओलम्पियड जो प्री ओलम्पिक्स हो रहा है उस पे तो सारी दुनिया से म्यूजिशंस और सिंगर्स, म्यूजिशंस और दूसरे आर्टिस्ट आ रहे हैं और पाकिस्तान से हमें दावत दी गई है, स्पॉन्सर किया गया है कि आप आएं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सचल जैज के अलावा सचल स्टूडियो ने 12 एल्बम्स रिलीज की, जिसमें से एक एल्बम इंडिया के ब्रिलियंट सिंगर हरिहरन के साथ लाहौर के रंग हरी के संग भी शामिल है, जबकि दूसरी एल्बम्स में मियाँ शहरयार की बंदिशें, उस्ताद फतेह अली खान के राग और रेशमा के खूबसूरत गाने शामिल हैं। वेल वी विश सचल जैज एंसेंबल ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरनेशनल परफॉर्मेंस।
now. But for more entertainment updates, stay tuned to E News. Well, अब आप A Plus की official website www.a-plus.tv पे live web TV के through भी E News देख सकते हैं. इसी के साथ अपनी host हिना सुल्तान को दें इजाजत. Take care and Allah Hafiz. Downstairs.